आज के डिजिटल वर्ल्ड में आप घर में बैठे एक अच्छी इनकम कर सकते हो और उसके एक अच्छा जरिया है आप स्टॉक आपस्टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया में 60 मिलियन प्लासेस उसके डाउनलोड चुके हैं और बहुत सारे लोग घर में बैठे आप स्टॉक के थ्रो ट्रेडिंग कर रहे हैं और उससे बहुत एक अच्छे सोर्स ऑफ इनकम भी उनको घर में बैठे मिल रही है डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए उसके थ्रू आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और आपको डिमेट अकाउंट बनाने का भी मौका मिलेगा और साथ में एक व्हाट्सअप नंबर भी दी है उसमें आप कॉन्टैक्ट करके उसके कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हो और कुछ गाइडलाइंस चाहिए तो उस व्हाट्सअप नंबर के साथ आप कॉन्टेट कर सकते हो सो वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर न्यू वीडियो सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में एक अपडेट देंगे आपके जो एग्जाम में इंफॉर्मेशन दी थी यूनिवर्सिटी ने कि आपको मार्क्सिट्स जो है आपके एच एस एल सी एच एस एन टी डी सी के मार्कशीट को सबमिट करना है एग्जाम के दिन पे ठीक है सो बहुत से जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स है आप लोगों के ऑलरेडी आसाम यूनिवर्सिटी हो या गुवाहाटी यूनिवर्सिटी हो या अदर्स यूनिवर्सिटी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अभी तक सिक्स के रिजल्ट आउट नहीं हुए हैं सो so, आप लोगों को क्या करना है कैसे आप अपना मार्कशीट को सबमिट करेंगे इसके बारे में इस वीडियो में इंफॉर्मेशन आप लोगों को तो प्रोवाइड करेंगे सो so, स्टूडेंट्स आप लोग को क्या करना है हर बार की तरह वीडियो में एंड तक बने रहना है सो so, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so, आप लोगों के लिए एक अपडेट्स आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो जैसे यूनिवर्सिटी ने नोटिस में कहा था के जिस दिन आप लोग के एग्जाम होंगे उसी दिन को आपको जो टीडीसी के मार्कशीट है मतलब प्रोविजनल मार्कशीट आपको सबमिट करना पड़ेगा बट यूनिवर्सिटी ने अभी अपने डिसीशन को थोड़े चेंजेस किए हैं जो अपडेट्स मुझे मिली है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बिफोर आपको आपके मार्कशीट को सबमिट करना होगा और फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएंगे सेवन के आसपास आएंगे ठीक है तो आप पकड़ के रखिए कि फिफ्थ दिसंबर के अंदर ही आपको आपके जो टीडीसी के मार्कशीट है मेन मार्कशीट प्रोविजनल उसे सबमिट करना होगा ठीक है so, सो असम यूनिवर्सिटी तो अपना रिजल्ट पास कर देगी उससे पहले क्योंकि अगर वही रिजल्ट आउट नहीं करेंगे तो बाकी डिमांड कहां से करेंगे स्टूडेंट के पास से मार्कशीट तो बिफोर फिफ्थ दिसंबर रिजल्ट आउट कर देंगे बट टेंशन है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटी को लेके आज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अपडेट्स मुझे मिली है बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने कल आ, कहे थे कि यूनिवर्सिटी में विजिट करो या फिर कॉन्टेक्ट करो तो आज कुछ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में गए थे तो डिस्कशन हुए तो वहां पे उन्होंने उन स्टूडेंट्स लोगों को एक लोगों ने जो किया इस बार का एग्जाम उसके लिए एक नोट्स लिख के उनको प्रोवाइड की और कहा कि मार्कशीट आने में लेट होंगे मे बी फर्स्ट वीक दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएंगे सो आप अप लोग अपने यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट करिए प्रेशराइज करिए यूनिवर्सिटी को के पीजी में एडमिशन लेना है क्योंकि आसाम यूनिवर्सिटी अभी बचे हुए हैं बाकी बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पीजी का क्लासेस चल रहा है सो अगर फिफ्थ दिसंबर से पहले आप लोगों के मार्कशीट आ जाते हैं सो आप फर्स्ट uh, जो मेरिट लिस्ट होंगे उससे पहले आपके मार्कशीट को सबमिट कर पाएंगे so, ये friends मेरे पास थी, के related. So, मैंने सोची आप सबमिट कर दीजिए ठीक है, so, HSLC, HSN, है ओ, और जिनके पास जैसे नॉन सीबीसी स्टूडेंट्स के पास तो के नहीं होंगे क्योंकि ऑट के रिजल्ट अभी आउट हुए so, आप सिक्स के अगर मार्कशीट क्लियर है आपके पास वो आप दे सकते हो साथ में प्रोवेशनल के जो स्क्रीन है वो भी आप सेंड उसमें कर देना देनाचओडी के जो मेल होंगे मेल में सेंड कर देना सो so, के मेल आपको कहा मिलेंगे सो so, जिस मेल 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 से आपके एग्जाम के टाइम में जो आएगी आएगी आईडी आईडी पे आप सेंड करके रख देना अदरवाइज ऑफिशियल साइट में जाके यूनिवर्सिटी के ढूंढ सकते हो एचओडी के मेल आईडी अगर वहां पे मिलते हैं तो उस आईडी पे आप उसको शेयर कर देना सो so, फ्रेंड्स ये अपडेट आई थी मेरे पास so, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दो ताकि आप लोगों को थोड़ा टेंशन कम होगा सो ऐसे आप फ्रेंड्स बने रहे हमारे चैनल के साथ जुड़े सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी